मतलब आप कह रहे हैं ये एक ऐसा दाग है जो बीजेपी अपने दामन से छुड़ा नहीं सकती है। ये कोई चुनावी रैली, मैं फिर से दोहरा दूं आपको, देखिए राजनीति में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, ये गंदी बात आपने भी देखा होगा, हमने भी बहुत बार बैठकर यहां पर चर्चाएं की हैं, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। और ये मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि अमृतकाल, सोचिए आप, नया संसद भवन, कहां तो नई इमारत में नई इबारत लिखी जा रही है, महिला आरक्षण जैसा बिल पास करके इतिहास बनाया जा रहा है, और कहां बोल ऐसे कि लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर देश का, संविधान का, संसद का अपमान किया जा रहा है, अपने ही देश के लोगों पर निशाना साधा जा रहा है। सैयद असीम बकार हमारे साथ मौजूद हैं, और सैयद असीम बकार, निशाना भी ऐसे साधा जा रहा है कि क्योंकि आप एक धर्म के हैं, उसी धर्म से जोड़कर और उस धर्म के तमाम लोगों को उग्रवादी से लेकर आतंकवादी तक करार दिया जा रहा है। सैयद असीम बकार, देखिए सबसे पहली बात तो मोदी जी की जो नई लोकसभा का उद्घाटन हुआ है, ये जो गाली गलौज है ये उसका दूसरा बिल है, मोदी जी की मर्जी से हुआ है ये। ऐसा कैसे कह सकते हैं? सबसे पहली बात तो मैं दानिश साहब से कहूंगा, उनका बयान आया है, दानिश साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका एक बयान आया है कि वो लोकसभा छोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल मत कीजिएगा सर, अभी आपके पास एक दिन है, या अगली जब सेशन शुरू होगा तो उसमें खड़े होकर इस आदमी को यही अल्फाज बोलिएगा, मैदान नहीं छोड़ा जाता है, मुकाबला किया जाता है। इसको बताइए, जो इसने आपको कहा है इसको बताइए कि आप नहीं हैं, ये है। दूसरी सबसे अफसोसनाक बात यह लगी कि अगर संजय सिंह जैसे लोग सरकार से सवाल पूछ लें, प्रधानमंत्री के गलत कामों पे टिप्पणी कर दें, सवाल पूछ लें, तो निलंबन हो जाएगा। और ये खड़े होकर एक धर्म विशेष की, हिंदुस्तान के लोगों के धर्म के खिलाफ टिप्पणी करें, तो उनकी खाली सदन से कार्रवाई हटाई जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। और सबसे पहली बड़ी बात तो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब और रविशंकर प्रसाद जी, बहुत एजुकेटेड लोग, डॉक्टर हैं सर वो, और वो वकील साहब पीछे बैठे हैं, दोनों हंस रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा क्यों हंस रहे हैं। सीधी सी बात है, और मैं तो, मेरे असद साहब ने, वैसी साहब ने बात कही है, और मैं भी कह रहा हूं, उसको दोहरा रहा हूं, हां मैं हां मिला रहा हूं कि वो जो या हबीबी वल्ला हबीबी दोस्त आए थे, और कुछ दिन पहले जो बता रहे थे कि मुसलमान सुरक्षित, वो अलीसा मुस्लिम वर्ल्ड लीग वाले, उनको इस वीडियो का अरबी में ट्रांसलेट करके सुनाना चाहिए उनको कि देखो जिनकी तुम तारीफ करके गए हो वो ऐसा सोचते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में। कोई ये भाषा होती है? बहुत से जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं होती है, उसकी सजा होती है। लेकिन इसमें आप कटघरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़े करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं बार बार, ऐसा क्यों? ये बयान तो रमेश भिदुड़ी का आया है ना, ठीक है आपने रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन को बोला, वो भी नजर आ रहे हैं इसमें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के दोस्त को सुनाइए जो सऊदी अरब से आए थे, ये सब क्यों राजनीति कर रहे हैं? तो आप राजनीति मत होने दीजिए, आप सजा दे दीजिए, खत्म हो गई बात, सस्पेंड कर दीजिए उसको। आप क्यों राजनीति होने दे रहे हैं? ये पॉइंट है भाई, प्रधानमंत्री जिस सदन के, जिस मैं रामकृपाल जी के पास चल रही हूँ, रामकृपाल जी एक्शन हो जाता तो फिर ये सियासत नहीं होती, एक्शन हो जाता तो फिर ये ब्लेम गेम नहीं होता, चूक यहाँ पर इसी वजह से हो गई कि एक्शन नहीं लिया गया। देखिए रोमाना जी, जो कुछ भी हुआ है शर्मनाक है, माफी के काबिल नहीं है, किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कहा था, पुरानी संसद से जब रुखसत हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि नई इमारत में हम जा रहे हैं, एक बदलाव हुआ है,
उन्होंने एक पॉजिटिव बात की थी कि शायद अब भावनाएं भी बदलें, लोगों का व्यवहार भी बदले। और ऐसे मौके पर जो कल घटना हुई है, मैं विशुद्ध रूप से एक बात कहता हूं कि किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता, इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। वरना ये पहली जो मीटिंग शुरू हुई है 100 साल तक इस बिल्डिंग में चलेगा, और अगर ये शुरू में जो कुछ कहा गया है इसे अगर चुपचाप बर्दाश्त कर लिया गया और सिर्फ एक एक्सपंज करके, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत होगा भारतीय संसदीय परंपरा के लिए। नहीं सर, गलत होगा या गलत हो गया? नहीं, गलत हो गया है। संसद जब तक चल रही थी और जब ये आदमी इतने बेलगाम अंदाज में वहां पर बोल रहा था, उसी वक्त इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कहां थे वो मार्शल्स? जब विपक्ष के सांसद कुछ बोलते हैं तो फौरन पहुंच जाते हैं वहां पर और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसे बर्दाश्त क्यों किया गया लोकतंत्र के मंदिर? बिल्कुल, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ कि किसी भी तरह से कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। और ये पार्टी भी करे, संसद तो करे ही, पार्टी को भी ये तय करना पड़ेगा कि वोट के लिए इंटॉलरेंस किस हद तक आप टॉलरेट वो करते हैं चीजों को। ये बहुत, ये भारतीय राजनीति के कुछ मूल प्रश्न हैं जिनसे मैं समझता हूँ किसी पार्टी को समझौता नहीं करना चाहिए। और बीजेपी से अपेक्षा है कि वो सत्ता में है, ये बात सही है। मैं वकार साहब का दर्द समझ सकता हूँ निश्चित तौर पर। और ये कहना कि सिर्फ संसद में नहीं, मैं कहता हूँ सामान्य सड़क पर भी नहीं ऐसी बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि मैसेज देना बहुत जरूरी है। इस देश का मुसलमान पंचिंग बैग नहीं है, इस देश का मुसलमान पंचिंग बैग नहीं है, समझना होगा आपको इस बात को। इस देश का मुसलमान बराबरी का हक रखता है, उसका अधिकार वैसा ही है जैसा अधिकार इस देश के किसी और नागरिक का है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की गिरी हुई राजनीति करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।